हेलो गाइस, वेलकम टू ओटन डिजिटल एजुकेशन। मैं आपके मालिक सैम फिर से जुड़ चुका हूँ यूट्यूब के माध्यम से, और आज हमारा चैप्टर है बैंकिंग क्लास 12 इकोनॉमिक्स का। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बैंकिंग सिस्टम क्या है हमारे कंट्री में, और किस टाइप के बैंक हमारे पास हैं, और किस तरीके से बैंक मनी क्रिएट किया करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। तो चैप्टर का नाम एज यूजुअल मैं बता चुका हूँ पहले की तरह, चैप्टर का नाम है हमारा बैंकिंग, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। तो सर कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बेटा, जो परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड गिविंग लोन्स टू फॉर इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, आंध्र प्रदेश बैंक। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या क्या हमारे पास, ये सीबीटी में आ जाता है, याद रखिएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एजेंसी फंक्शन ऑफ द बैंक, परफॉर्मिंग जनरल यूटिलिटी सर्विस, मनी क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, पैसा किस तरीके से बैंक क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, मनी क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कंज्यूमर बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ये सारी चीजें देखिए। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन की बात करते हैं। मान लो एक इनिशियल डिपॉजिट हुआ 1000 रुपीज का, जिसपे LRR लीगल रिजर्व रेशो, द बैंक हैव टू कीप ₹200 एंड लेट 8800। ऑल द ट्रांजेक्शन आर गो थ्रू द बैंक्स ओनली, कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं हो, सब कुछ रहता, पैसा हो रहा है सब बैंक के थ्रू जा रहा है। तो 800 मार्क मेकिंग पेमेंट करेगा दूसरे बंदे के लिए, दोबारा बैंक में आएगा और डिपॉजिट अकाउंट होगा। बैंक के पास 800 है, फिर उसमें से 20% रखा ₹160, फिर ₹640 उसने लेंड कर दिया किसी और को, फिर ₹640 का, फिर 20% का 12, तो धीरे धीरे करते करते इनिशियल डिपॉजिट कितना था 1000 का, ठीक है, जिसको हमने लैंड करते करते 5000 में कन्वर्ट किया, 4000 रुपए गया, 1000 रुपए मेरे पास CRR की फॉर्म में सेफ है अभी भी। क्लियर है बात यहाँ पर, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट 1/CRR इंटू कैश रिजर्व, 1/20% 1000, टोटल कितना गया 5000, ठीक है, क्लियर बात यहाँ पर। CRR कह लो या CRR determined not by the commercial bank themselves but by the RBI. RBI क्या है हमारा? Apex bank है बेटा, सबसे ऊपर बैठी है, Apex on the top class. Commercial banks are required to keep the stipulated cash reserve ratio not with the themselves but with the RBI. किसके साथ रखेंगे? RBI के साथ रखेंगे। On CRR is not we find out credit multiplier number of times commercial bank can create credit को किस तरीके से per unit के हिसाब से change करता रहेगा। credit multiplier found in the terms of following, k is equal to 1/CRR, k is equal to 1/CRR cash reserve ratio, credit multiplier cash reserve ratio, only fraction depends keep the cash reserve, को fraction पे depend करता है। All depositor do not withdraw the money at the same time. जैसे for an example, bank में 100 लोगों का account है, 100 के 100 लोगों ने 5000 रुपए जमा किए, सारे लोग अगले दिन पैसा निकालने नहीं आएंगे, ये भी शॉर्ट है ना, 90 आएंगे, 10 नहीं आएंगे, उन 10 के पैसों को मैं क्या, बैंक क्या करता है, लैंड आउट करता है लोन के लिए अलग अलग पर्सन को। कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ मनी, न्यू डिपोजिट तो बैंक एक कॉन्स्टेंट फ्लो आता रहता है, नए नए डिपोजिट आते रहते रेगुलरली। सेंट्रल बैंक अपेक्स बॉडी, कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट एंटायर बैंकिंग सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, करेंसी अथॉरिटी, पैसा वो इशू करेगा। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करता है। बैंकर्स बैंक, सुपरवाइजरी बॉडी, सबको सुपरवाइज करेगा। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्रेडिट किस तरीके का नाउ करता है, LRR CRR के थ्रू। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कहीं कुछ पैसा नहीं मिलेगा, आरबीआई के पास चले जाओ। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितना भी डॉलर्स बाकी करेंसी सब किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कि कोई दो बैंक है दोनों के बीच में कोई इश्यू चल रहा है, ठीक है, वहां से क्लियरेंस मिलना है तो आरबीआई करके देगा। करेंसी अथॉरिटी, बैंक ऑफ इश्यू नोट, सेंट्रल बैंक सोल अथॉरिटी है, ठीक है। सेंटर ऑब्लाइज टू बैक द करेंसी विद एसेट ऑफ इक्वल वैल्यू, यूजुअली गोल्ड कॉइंस, गोल्ड बिलियंस, फॉरेन सिक्योरिटीज केस में रहना चाहिए। एडवांटेज सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, सुपरविजन एक एक बंदे का रहेगा, कंट्रोल हो जाएगा इजीली, पब्लिक फेथ बना रहेगा कि एक ही व्यक्ति है जिसका सारी चीजें मेरी सेफ पड़ी है। दूसरा, स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, की करेंसी वैल्यूएट हो रही है या डिवेल्यूएट हो रही है, इस तरीके हम देख लेते हैं। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स कैरी आउट यानी जितना बिजनेस है गवर्नमेंट का सारा कौन संभालेगा, आरबीआई संभालेगा। दूसरा, रिसेट एंड मेक पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जितना पैसा बाहर से आना है, जितना पैसा बाहर देना है, वो सारा आरबीआई के थ्रू ही जाएगा।
गिव लोन एंड एडवांस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पैसे, कोई स्कीम आई उसके लिए पैसा चाहिए तो किससे लोन लेगी, आरबीआई से लोन ले लेगी। बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन रोल, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व सीआरआर, कमर्शियल बैंक एक सर्टेन अमाउंट उसके पास रखते हैं। लैंड ऑफ लास्ट रिजर्व, जब कमर्शियल बैंक अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक से लोन ले लेते हैं। क्लियरिंग हाउस, सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व फॉर कमर्शियल बैंक, इजी एंड मोर कन्वीनियंट टू एक्ट द क्लियरिंग हाउस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, दूसरी बात, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई आरबीआई रोल प्ले करता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन में, इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। अगर वो चाहता है कि मार्केट में ऐसा कम भेजना है, ठीक है, वो अपना सीआरआर का रेट बढ़ा देगा। ठीक है, जितना ज्यादा रेट जाएगा उतना कम मनी क्रिएशन होगा। वो कहता है कि नहीं यार मार्केट में पैसा भेजो, लिक्विडिटी बढ़ाओ, ठीक है, इंजेक्शन करो, तो क्या करेगा, सीआरआर वगैरह का रेट घटा देगा, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, ज्यादा लोन एडवांस कर पाएंगे। कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन, अप्रोच टू सेंट्रल बैंक कि भैया मेरे को पैसा दे दो मैं सारी चीज चुका दूंगा। सेंट्रल बैंक एडवांस लोन टू सच बैंक्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किसकी होती है, गवर्नमेंट की। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जितना भी बाहर का पैसा आ रहा है, यानी गोल्ड हो, गोल्ड कॉइन्स हो, गोल्ड बिलियंस हो, या कोई डॉलर हो, पाउंड हो, कोई फॉरेन करेंसी हो, सारी सारी किसके पास लास्ट में जमा होगी, आरबीआई के पास जमा होगी। क्लियर बात यहाँ तक। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस। लेट अस एग्जाम्पल, सपोज एक रिसीव अ चेक ऑफ 10,000 रुपीज, ठीक है, बैंक बी से। बैंक बी रिसीव द चेक ऑफ रुपीज 15,000, डोंट नो द बैंक ए। Both bank A and B have their accounts with the central bank. The check of both the banks are cleared through their accounts with the central bank. दोनों क्या करेंगे, इसके पास एक के पास, इस बैंक का उसके पास गया, उस बैंक का इसके पास आया, तो दोनों का कौन क्लियर कर देगा, आरबीआई पे से क्लियर कर देगा। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक के बीच में नंबर एक होगा, नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं। अब टैक्स इंस्टीट्यूशन है कॉमर्शियल बैंक, इसके अंडर काम करेंगे। एम क्या है, कंट्रोलर सुपरविजन बैंकिंग सिस्टम के अंदर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्न प्रॉफिट। ऑनरशिप गवर्नमेंट, ओन बाय द गवर्नमेंट और द प्राइवेट पार्टीज। डीलिंग डज नॉट डील विद द डायरेक्ट विद द पब्लिक, डायरेक्ट डील विद द पब्लिक। इश्यूइंग ऑफ करेंसी मोनोपोली है, इनके पास कोई पावर नहीं है। क्रेडिट सेंट्रल बैंक कंट्रोल अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, कमर्शियल बैंक क्रेडिट इन द इकोनॉमी क्रिएट करते हैं। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक आउट ऑफ द वेरियस मेजर टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, जिसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव। क्लियर, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट है, दोनों की बात करते हैं आगे। क्वांटिटेटिव बैंक रेट पॉलिसी, ठीक है, रेफर द रेट एट विच सेंट्रल बैंक, याद रखिएगा, लैंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। बैंक रेट में क्या होता है, आरबीआई पैसा दे रहा है कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है। सेंट्रल बैंक इंक्रीज द बैंक रेट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, एक्सेस डिमांड के टाइम पे, एंड रिड्यूस द सेम टाइम ऑफ डिफ्लेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम टू पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। इट सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन एंड बाय द सिक्योरिटी ड्यूरिंग द डिफ्लेशन। महंगाई के टाइम पे उन्हें सोल्ड आउट कर देता है, पैसा चाहिए होता है, और जब चीजें सस्ती होती है तो उन्हें वापस खरीद लेता है। लीगल रिजर्व रेशियो में क्या होगा, इन्फ्लुएंस द क्रेडिट सीआरआर एंड एसएलआर बोथ आर द पार्ट ऑफ एलआरआर। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जो आरबीआई के पास जाएगा, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो जो बैंक अपने पास रखता है। कीप द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक के पास रहेगा, देखो, और ये किसके पास रहेगा, डैमसेल, वो उनके पास रहेगा हमेशा, ठीक है, मेंटेन विद द डैमसेल। एसएलआर इंक्रीज हो सकता है इन्फ्लेशन में और डिक्रीज हो जाता है डिफ्लेशन में, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, मनी सप्लाई रोकनी है मेरे को मार्केट में, तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, तो नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक है वो मनी क्रिएशन नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव मार्जिनल रिक्वायरमेंट, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन, मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, उसके बीच में चेंज करना। मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ जाएंगे और डिफ्लेशन में बढ़ जाती है। मोरल सोशल लोगों को बढ़ाता है कि भाई प्रेशर करेगा सेंट्रल बैंक की भैया कि थोड़ा थोड़ा चीजों को अच्छे तरीके लेके आओ, पॉलिसीज में सुधार लेके आओ, ताकि लोगों को ईजी हो लोन लेने में और रिपे करने में। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल गिव द डायरेक्शन टू रिजर्व बैंक्स टू गिव और नॉट द क्रेडिट फॉर द सर्टेन पर्पस टू पर्टिकुलर सेक्टर्स। बस यही चैप्टर था, छोटा सा, देखो विदिन 10-20 मिनट्स की वीडियोस है, आप कर सकते हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने क्वेश्चंस को कमेंट में डालिए, मैं जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।
आपके मलिक सर फिर मिलते जल्दी आपके यार। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 4 एंड 5 वीडियोज में हम कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म कर दें। थैंक यू सो मच।